हेलो अनान भाई, कैसे हैं आप? अनान भाई, मैं बहुत देर से बोर हो रहा था। शुक्र आप आ गए हैं। सचैरी किधर है? घर है? आना नहीं है उसने? पता नहीं, वेट लॉस कर रहा है। वेट लॉस कर रहा ना आगे। आप बड़े सोने लग रहे हो। खैर तो है, सोने पे हर वक्त, हर टाइम सोने लगते ने। तुसी किते किते नहा के आंदे तां सोने लगते हो। जैसे भी नहीं नहाते, शर्म देनी आती। अज तो नहा लेना सी, जुमा अज। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं साकिब लतीफ़ आज अपने वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज है जी 24 नवंबर और जुमे का दिन है। सुबह सुबह उठा था मैं, तकरीबन 5 बजे उठा। उठ के नमाज वगैरह पढ़ी, पढ़ के मैं स्कूल के लिए रेडी होने लगा तो देखा मोबाइल पर मैसेज आया हुआ था कि आज जी स्कूल से ऑफ है स्मोक की वजह से। तो मैं फिर सो गया और दोबारा आग उठाऊँ और अब चलते हैं नाश्ता करने के लिए। वैसे इस तरह की अचानक जब छुट्टी हो जाती है ना, ठीक है, तो बहुत खुशी मिलती है। इंसान का दिल करता है कि यार आज तो लुडियाँ डालो भाई, छुट्टी मिल गई है ना। मेरे साथ भी सेम ऐसे ही हुआ। ये जी है टाउन, सुबह सुबह के टाइम टाउन काफ़ी प्यारा लग रहा होता है। आज भी लग रहा है माशाल्लाह से, क्योंकि हर चीज़ फ्रेश होती है। खाने को दिल कर रहा है। तो आज हमने यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह लगाई हुई हैं। काशिफ भाई जो है वो मूली निकालने लगे हैं, मूली, और वो मूली खाएंगे अब। ये जो हमने फसल लगाई हुई है, अपनी है फसल, थोड़ी बहुत वो है, लगे हुए लहसुन वगैरह लगे हुए हैं, थोड़ा धनिया पुदीना है, उसके बाद ये मूलियाँ लगी हुई हैं। और भी आहिस्ता आहिस्ता और भी चीज़ें ऐड होगी यहाँ पे। तो बाकी वैसे तो आज छुट्टी है मुझे। ये लें जी, ये मूली उतर गई हमारी। दो उतार ली हैं काशिफ भाई ने, आज दो दो खाएंगे बस। बाकी अभी छोटी हैं। हाँ, बाकी अभी छोटी हैं। ये टाइम से ही उग गई थी। ये मेथी है, ठीक है, वो पालक लगे हुई है। इस तरफ आ जाए तो इस तरफ आपको धनिया और पुदीना मिलेगा। और इधर अभी हमने आलू लगाए, वैसे अभी तक हुए नहीं है। नहीं, इंशाल्लाह हो जाएंगे। वो भी गार्लिक है और बीच में आप जो देख रहे हैं वो भी पालक है। साइड में ये पौधे नजर आ रहे हैं ना आपको, बैसाखी वो देखें। आलू के पौधे, आलू भी लगे हैं भैया। भिंडी का मौसम खत्म हो गया मगर हमारे हमारे पौधे में अभी भी लगी है। देख, भिंडी लगी है यहाँ पे, भिंडी अभी भी लगी है। ये पुदीना लगा हुआ है इस तरफ। तो अब मूलियाँ खाएंगे जी, मूलियाँ खाते हैं हम लोग, मूलियाँ खाते हैं। और हमारे बाकी वैसे जितने भी स्कूल के स्टूडेंट है उनको आज छुट्टी होगी, मूलियाँ खाएंगे, ठीक है। तो उनकी तो आज मोजे लगी होंगी। तो ये हमारे एक और ये छोटा सा दरख्त वगैरह लगे हुए हैं, ये देखें, इसमें हमारे पपीते लगे हुए हैं। ये पक्का नहीं है ये, काफी काफी फल पड़ा है इस पे, देख रहे हैं ना आप लोग, फुल फल पड़ा हुआ है, पकने वाला। हाँ, इंशाल्लाह ये जल्दी पक जाएगा तो फिर पपीते खाएंगे हम लोग, पपीते। वैसे जितने लोगों को छुट्टी है आज वो भी कमेंट करके बताएं उनका दिन कैसा गुजर रहा है आज छुट्टी का। उम्मीद तो है अच्छा ही गुजरेगा। ये देखें, ये है, इसको हम बोलते हैं रात की रानी। ये जो पौधा लगे है ना इसको हम बोलते हैं रात की रानी। हाँ, ये रात की रानी। और ये जो कटा हुआ पौधा है ना, ये छोटे छोटे फूल नजर आ रहे हैं, इसको बोलते हैं रात का राजा। ये ठीक है, ये छोटे से, ये रात का राजा है। और ये मोती का फूल है, नॉर्मल वही पौधा है। ये इमली का, इमली का लगाया है, इसको गुलदुबैर बोलते हैं। और ये तो आर्टिफिशियल, इनके नाम मुझे नहीं पता कौन से, ये वाले जो आर्टिफिशियल है। हाँ, वो तो है, सारे आर्टिफिशियल हैं यहाँ पे, इनका नाम हमें नहीं पता। और हमारे पपीते माशाल्लाह देखें, तीनों पेड़ पे वो ये बड़ी जल्दी ग्रो हुआ है। ये दरख्त एक महीना दो महीने हुए, क्या बोलते हैं कि जल्दी ग्रो, साथ लगाना होता है। फिर जो मेल है और जो फीमेल है फिर फल देगा। जो मेल होता है उसमें फूल होता है, ये मेल है, इसमें फल नहीं लगेगा, इसमें सिर्फ ऐसे फूल ही आएंगे। और ये फीमेल है, ये देखे इसने फल दिया, ये देखे ये भी, इसने भी फल दिया। और भाई वो देखे क्या बोलते हैं इसको, किसको, जो गंदम में भी होता है वो देखे, गंदम में वो देखे, वो देखे, पता नहीं मुझे उसका नाम नहीं पता। देखे देखे कितना बड़ा है और देखो बिल्कुल उसके साथ ना। पता नहीं यार, ये मुझे नाम नहीं पता, आपको पता है तो बताएं इसको क्या कमेंट में बताइएगा। मैं आपके एरिया में इसको क्या बोलते हैं, मुझे इसका नाम नहीं पता है तो ये बहुत ज्यादा, इसको वैसे वैसे तो इसको नाई भी कहते हैं कुछ जगहों में, वो तो हम चार खोटी है ना तो मतलब नाई भी कहते हैं, बोला जाता है। वैसे प्रॉपर इसका नाम नहीं पता किसी को भी कि इसका क्या नाम है। इसके जो जब इसको खतरा महसूस होता है ना तो ये तलवार जैसे इसके पैर होते हैं वो मारता है, इसको बोलते हैं नाई, बोलते हैं नाई, बोलते हैं बाल काटता है ये, बाल में इसका नाम पता नहीं।
अभी देखते हैं भाई आतिफ क्या कर रहे हैं, उनकी दुकान पे चलते हैं, वो चेक करते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, जरा उनकी भी खबर ले लेना वहाँ पे क्या क्या हो रहा है। और ये हमारे भाई आतिफ भाई, उनकी दुकान है शफी जनरल स्टोर, देखते हैं ये भाई आतिफ क्या कह रहे कर रहे हैं क्या कह रहे हैं। जी आतिफ भाई क्या हाल है आपके? क्या हो रहा आतिफ भाई? कुछ नहीं, कुछ तो होना चाहिए जिंदगी में, कुछ होते रहना चाहिए। क्यों भाई, लाइफ तो नाम ही है कुछ होने का, कुछ नहीं होगा लाइफ में तो फिर वो लाइफ सुना ना होगी, है ना। करते तो रहते हैं आतिफ भाई भी कुछ, लेकिन चूंकि इनके अब डेली की रूटीन है ना, तो इनके लिए ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि रोज का काम है ना। वो कहते हैं ना रोज के काम की, वो घर की मुर्गी दाल बराबर वाला काम है, जो रोज का काम हो ना तो वो बंदा ऐसे ही कहता है कि कुछ भी नहीं। क्या देख रहे हैं भाई? उस्मान सीरीज देख रहे हैं। अच्छा अच्छा, मतलब जो आपका शौक है वो पूरा कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है ठीक है, तो क्या रूटीन है दुकान की आज? नाश्ता कर लिया? चलो अच्छा किया नाश्ता कर लिया, वैसे मैंने भी कर लिया नाश्ता। क्या खाया गया था? चावल खाए हैं। अच्छा, मैं हमने तो वो चावल हमारे लिए रखे ही नहीं किसी ने, हमने तो अंडा खाया, फ्राई अंडा, हाफ फ्राई। आज ना वैसे टाउन भी खाली खाली सा लग रहा है, कोई रश वगैरह नहीं है, कोई भी बाइक नहीं निकला हुआ, हालांकि आज होना चाहिए था सबको, आ जाएंगे कुछ देर में सारे जुमे के बाद में, क्या तो जुमे की वजह से सारे घरों में आ जाएंगे, फिर यहाँ पे गेम वगैरह होगी, क्रिकेट वगैरह खेलेंगे सब। अच्छा, ये मैंने क्रिकेट मैच की बात की थी और ये दो चवल आ गए क्रिकेट मैच खेलने, जिनको आप हर वीडियो में देखते होगे। ठीक है, अभी आपको मिलाते हैं इस टाउन की मशहूर चवलों से, एक छोटी चवल एक बड़ी चवल। हेलो हनान भाई, कैसे हैं आप? हनान भाई मैं बहुत देर से बोर हो रहा था, शुक्र आप आ गए हैं। सचेरी किधर है? घर है, आना नहीं है उसने, वेट लॉस कर रहा ना आगे। आप बड़े सोने लग रहे हो, खैर तो है, सोने पे हर वक्त हर टाइम सोने लगते ने, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਵੀ ਨੀ ਨਹਾਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਦੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਨਹਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਜੁਮਾ, ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਉਸਕੇ ਭਾਈ ਕਜ਼ਨ ਛੋਟੇ, ਵੈਸੇ ਦੋਨੋਂ ਲਗਤੇ ਵੀ ਕਜ਼ਨ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਮਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ। ਹੈਲੋ ਨਾਮ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਮੈਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਐਡੀ ਖੁਸ਼ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ। आज खेलना है मैच, तो दो मिनट आओ, जरा आधा घंटा पड़ा घंटा, दो मिनट आओ, जरा आधा घंटा। लैन कितने जाने का? ना बेटा तू किसी के दिल में जाएगा, दिल में सुराग ही होना है। कुछ अरसे तक बंदे नहीं, डेथ हुई नहीं है। इतने दिनों तक स्कूल क्यों नहीं आ रहा था लेने? लो तुसी एकेडमी जा रहे, मैं तो एकेडमी आना, एकेडमी पढ़ने कोई इरादा तक नहीं है। क्यों? चलो शुक्र है, बचत होगी मेरी, मैं बच जाऊंगा। वैसे नान भी अच्छे लग रहे वीडियो में, रियल में तो नहीं इतने अच्छे वैसे। आप ये जी टीम निकल पड़ी है मैच खेलने के लिए, ये तीनों जा रहे हैं और हम भी इनके साथ साथ जाएंगे और देखते हैं वहां पे जाके क्या होता है। ये लोग क्रिकेट खेलने लगे तो इतना बोर नहीं होना पड़ेगा। ये जी छोटा सा ग्राउंड है, यहाँ पे क्रिकेट मैच होगा, क्रिकेट मैच। बस तीनों की टीम है, बंदा वो बंदा यार ये मजाक ना किया, अगर उसको बंदा तो ना क्या, बच्चा है बेचारा वो। ये करने क्या लगे हो? अच्छा ना ही उत्ते कुछ है जे, ते ना ही कुछ नहीं है।
अच्छा मैच होने लगा कोई फल नहीं तांबिया वगैरह पतीला वगैरह कोई लेना ही ये भी यहाँ से मट्टी जो है ना वो सही कर रहे हैं यार कुछ है फाड़ ला कुछ आप फाड़ ला ना ना यार कर ला दे अच्छा यार क्या नहीं हुआ क्या कर ला दे आयन से जल्दी विकेट तैयार होने लगी है जी मैच के लिए विकेट तीन तीन लोगों की टीम है हाँ ये मैंने तो नहीं खेलना यार मैं खेलने भी नहीं रहा शाबाश बैट की जरूरत नहीं है चार चार अखा लाइया नजर नहीं आना यार रनान ये तेरी काबिलियत पे शक कर रहा है लगी कर दे थले हेटर रख लेंदे हेटर उत्ते मिट्टी पांदे नहीं नहीं थोड़ा गहरा कर लेंदे ना हेटर थले रह जांदी इन्ना केड़ा गहरा करना है अनार भाई के आइडियाज भी ना कमाल होते अनार भाई की तरह ही एक और खत्म ही हट जाना ही किथे आहो किथे किधर पाऊं सही है बस ठीक है इधर पाऊं मैं इसके ढंग में पता लग जाएगा सानू मोटा बात कही दे पानी ले जो जाओगे पानी मार दे बस हो गया मिट्टी लानी पैनी एक्स्ट्रा जड़ी उचा ना थोड़ा उचा है इन्होंने भी विकेट वगैरह तैयार कर ली है अभी इनका मैच शुरू होता है तो फिर दोबारा शुरू करते हैं अगला व्लॉग देखते हैं क्या करते हैं ये